हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप मई मंथ में अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। दोस्तों आगे इस वीडियो में वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, किस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, हर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए कुछ जबरदस्त अनाउंसमेंट हमने करी थी, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सारे अपडेट, सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सारी गुड न्यूज इसी वीडियो के अंदर है। केवल सीएचएसएल एस्पिरेंट ही नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए ये सारी अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 7 से, जो कि निकल के आएगी यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, एक साल में दो बार यूपीएससी के थ्रू सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की ये वैकेंसी निकल के आती है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 400 प्लस के आसपास रखी जाती है। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो इससे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 मई 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2024 है। एग्जाम इसका एग्जैक्टली 1 सितंबर 2024 को संडे के दिन ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, एज लिमिट यहां पर 19 से 24 साल के आसपास रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है। या फिर आप एपीआर स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के एकदम बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे ही 15 मई को इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, आपके लिए एक सेपरेट फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो भाई वेट जरूर करिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2024। दोस्तों एसएससी के थ्रू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7th ऑफ मई 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी वो 6th ऑफ जून 2024 रखी जाएगी। एग्जाम इसका ऑफिशियली जुलाई और अगस्त 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हर बार टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 34 से 40 लाख के आसपास अप्लाई होते हैं इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल, 18 से 27 साल रखी जाती है। दोस्तों अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे दोस्तों डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आपके लिए काफी सारी फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। और इस बार हमने कुछ स्पेशल प्लान कर रखा है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए भी, तो अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है चाहे कुछ भी हो जाए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5th के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यूपी ट्रिपलएससी एडीओ पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यूपी ट्रिपलएससी मतलब उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के ऊपर 4016 यहां पर निकल चुकी है, जिसको एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट भी कहा जा रहा है। काफी बेहतरीन लेवल की पोस्ट है और एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया वैकेंसीज निकलना बहुत ही बड़ी बात है। वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म 7 मई 2024 से स्टार्ट होंगे। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में आप वीडियो सक्सेस टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 7th ऑफ जून 2024 रखी गई है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर, और कुछ के लिए 21 से 40 साल यहां पर रखी गई है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों अगर आपने कोई भी 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है सिविल ट्रेड से, तो भाई आप एलिजिबल है। जैसे कि अगर आपने कोई पॉलिटेक्निक वगैरह कर
रखे हैं तो भाई आप इलिजिबल है, या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखे है सिविल ट्रेड से तो भी आप इलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, स्टेट लेवल की पोस्ट है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल सैलरी 65,000 से 70,000 के आसपास रहने वाली है, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी है मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों अगर आप बीएसएफ सीआरपीएफ सीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक असिस्टेंट कमांडेंट तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल आपके लिए ही है। इस बार सभी फोर्सेस को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा निकली हुई है। जी हां दोस्तों 506 वैकेंसी निकली है, जो कि पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा इस बार वैकेंसीज है। बीएसएफ में 186 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी 58, एसएसबी 42 वैकेंसीज है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई 2024 रखी गई है। एग्जाम आपका ऑफिशियली 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा संडे के दिन ऑफलाइन। एज लिमिट 20 से 25 साल रखी जाती है, एज जो आपकी कैलकुलेट हो रही है इस बार 1 अगस्त 2024 तक हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है तो भाई आप इलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और हां अपीयरिंग स्टूडेंट भी इलिजिबल है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 4,660 है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 452 है, कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 4,208 वैकेंसी है। फॉर्म ऑलरेडी 15 अप्रैल को स्टार्ट हो गए थे, फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई यहां पर रखी गई है। एज लिमिट 18 से 28 साल कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर है, 20 से 28 साल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर है जनरल वालों के लिए। 10वीं पास वाले कांस्टेबल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास वाले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यहां पर एलिजिबल है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस बार हम आरपीएफ के लिए भी कुछ स्पेशल लेकर आने वाले हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि यार मे मंथ के अंदर केवल यही 7 वैकेंसीज आएंगी, और भी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आ सकती हैं। ये वो 7 वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि ऑलरेडी निकली हुई हैं या फिर ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है, जिनके एग्जाम कैलेंडर में डिटेल्स हैं। तो भाई जैसे ही नए नए डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, टाइम टू टाइम चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जेएचटी असिस्टेंट या फिर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जेएचटी मतलब झारखंड हाईकोर्ट, जिसके अंदर असिस्टेंट या फिर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 410 है यहां पर। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 9 मई 2024 है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एज लिमिट 21 से 35 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है मतलब आप ग्रेजुएट हो तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में जो कि निकल के आ रही है यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक रहती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म 15 मई 2024 से स्टार्ट होने जा रही है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 जून 2024 है। एग्जाम एग्जैक्टली ऑफिशियली 1st ऑफ सितंबर 2024 को संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। एज लिमिट 17.5 से 19 साल के आसपास रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखा है या फिर फिलहाल आप 12th में हो या फिर 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर अपीयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो खुद ही बता रहा हूं, जब मैं 12th में ही था मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए थे एनडीए के, तो बढ़िया है, आपको ट्राई जरूर करना ही चाहिए। जस्ट आफ्टर 12th ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आफ्टर 12th आप हमारी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, साथ ही इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना कर सकते हो लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर। बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी इसमें 90,000 तक होती है। तो यार छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताया, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप मई मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही किसी भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकल दिए मैं आपको तुरंत इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।